अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खाने शाने। गर्मियों के मौसम में ज़्यादा देर चूल्हे पर खड़े रहने को किसी का दिल नहीं चाहता। कोशिश होती है कि ऐसा खाना बनाएं जो कम से कम मसाले का हो और जल्दी से कुक हो जाए। तो मैं आज आपको ऐसी ही रेसिपी दे रही हूँ जो बेहद मज़ेदार है, बहुत कम मसाले हैं और जल्दी से कुक हो जाती है। जी हाँ, भुनी हुई अरवी। तो इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो भुनी हुई अरवी, एक टीस्पून नमक और एक टीस्पून अजवाइन। अजवाइन से इसका बादीपन ख़त्म होगा और हाजमे में मदद मिलेगी। उसके अलावा एक और इंग्रेडिएंट है, ये है हरी मिर्चें जो 7 से 8 हैं और इन्हें मैंने मोटा मोटा स्लाइस कर लिया है। और आखिर में जाएगा इसमें लेमन जूस, जिससे इसका जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाएगा। तो 1/4 कप जो है मैंने ऑयल गर्म किया है और उसके अंदर डाली है मैंने अजवाइन। इसको हम क्रैकल करेंगे ताकि इसका अरोमा जो है वो हमारे तेल के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और जैसे ही क्रैकल हो जाएगी तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालने से पहले आप चूल्हा थोड़ा हल्का कर लीजिएगा, वरना आपको पता है इसके बीज उड़ते हैं और उड़ के वो सीधे आँख के अंदर जाते हैं, उन्हें पता है कहाँ पे ये ज़्यादा लगेंगी, तो इसलिए इसे बच के ज़रा काम कीजिएगा। जैसे ही ये मिर्चें थोड़ी सी तल जाएंगी हमारी, तकरीबन 1 मिनट, उसके बाद ऐड करेंगे हम स्लाइस की भी अरवियाँ। अरवी छीलने से पहले या तो हाथों पर तेल लगा लीजिएगा या ग्लव्स पहन लीजिएगा ताकि आपके हाथों में खुजली ना हो। ये खुजली बहुत मुश्किल से जाती है, तो ज़रूर एहतियात कीजिएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे अरवियाँ, थोड़ी सी मैंने टॉस कर ली हैं और उसके बाद इसमें ऐड किया है नमक। नमक भी टॉस किया है हमने ताकि सारी अरवियों में आ जाए। और उसके बाद इसमें 1/4 कप जितना पानी जाएगा ताकि ये कुक हो सके। हमें 8 से 10 मिनट इसे कुक करना है वरना ये जल जाएंगी। 8 से 10 मिनट पहले ही ये कुक हो जाएंगी, आप इसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा 7-8 मिनट के बाद। और अगर आप देखें कि इसका पानी खुश्क हो गया है तो बस फिर आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा और इसमें लेमन जूस जो है वो ऐड करके तो इसे अच्छे तरीके से टॉस कर दीजिएगा। अरवी और लेमन जूस का चोली दामन का साथ है, अगर आप अरवी गोश्त बनाते हैं तो वो भी लेमन जूस के बगैर मज़ा नहीं देता। तो जनाब, ये बहुत ही मज़ेदार सी, सादा सी और जल्दी से कुक हो जाने वाली भुनी हुई अरवी बिल्कुल तैयार है। बस आप खाते जाइए और आपका दिल नहीं भरेगा, पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।